शादी के 11 साल बाद बीवी का चेहरा पसंद नहीं आया, इस पर पति ने उसे बेदम पीटा। इतना पीटा कि पत्नी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पीड़िता की शिकायत पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला ग्वालियर का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जमीन पर पटक दिया और फिर लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसमें माँ, भाई और भाभी ने भी उसका साथ दिया। इस दौरान महिला के बच्चे हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते रहे, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। महिला की गलती बस इतनी है कि पति को उसका चेहरा पसंद नहीं है। शादी के 11 साल बाद वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है। गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। मंगलवार को महिला ने अपनी पीड़ा सुनाई। बुधवार को पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मालती ने बताया कि मैं उन्हें छोड़ देने की भीख मांगती रही, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने इतना मारा कि मुझे खून की उल्टियां होने लगी। मेरे बच्चे बचाने आए तो उन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उसने मारपीट करते हुए खींचकर आंगन से बाहर कर दिया। बेटी संजना उम्र 11 वर्ष, प्रियंका उम्र 8 वर्ष और लव्यांश उम्र 5 वर्ष बाहर खड़े मुझे छोड़ देने के लिए हाथ जोड़ते रहे। मेरी मदद को कोई नहीं आया। इन सभी ने मुझे बेहोश होने तक पीटा। मालती ने कहा, पति चाहता है कि मैं बच्चों को लेकर घर से निकल जाऊं। वह किसी और महिला के साथ यहां रहना चाहता है। उसने 3 दिन पहले पैर पर फ्रैक्चर होने की बात कहकर झूठा प्लास्टर बंधवा लिया है। मेरे खिलाफ झूठी शिकायत भी पुलिस में की है। महिला ने उसकी पिटाई का वीडियो, जो किसी पड़ोसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, वह पुलिस को सौंपा है। महिला ने बताया कि उसको पीटने वालों में पति माता दीन कुशवाहा, जेठ अशोक, लक्ष्मण कुशवाहा, प्रदीप कुशवाहा, नंदोई मुकेश कुशवाहा, दिनेश और शुभम कुशवाहा के अलावा पड़ोसी महिला मनीषा जेठानी और सास भी शामिल है। एएसपी क्राइम राजेश दंडौतिया का कहना है कि महिला ने शिकायत की है, उसके ही परिजन ने उसे बेरहमी से पीटा है। मामले में गिरवाई थाना में मारपीट का मामला भी दर्ज है। तत्काल दो आरोपियों अशोक और मुकेश को हिरासत में लिया गया है। से कह दिया घर से बाहर निकल, तो मैंने ये बोला, मैंने कि मैं घर से बाहर कौन निकलूंगी, तो वो गाड़ी गलोच देने लगे, जेठ जुटानी सभी लोग। मैंने अपनी दुकान का तारा डाल के मैं इनकी तरफ आ रही, तो मुझे रोड पे पकड़ कर नहीं, सभी लोगों ने मारा डंडे। जनसमन में आने से पूर्व ही उसकी तरफ से प्रकरण में पंजीबद्ध किया गया है और सुसंगत कार्रवाई की गई है और प्रॉपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।